आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपका प्रश्न दूसरा है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कौशल। अगला क्वेश्चन है, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचिरियों ने। प्रश्न अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा इन चारों में से कौन है दोस्तों, बताओ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी को राजकीय भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो कैसी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो किस फसल की बालियां अंकित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो बताओ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेदना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करुणा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंदन सहाय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? बता दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नक्सलवाद को दूर करना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, बताओ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। बस्तर में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं इसी संभाग में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है, बताओ दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है तो इसको तो आप लोग जानते ही हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रायपुर।